वेलकम टू माय चैनल टैरोट व्यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, मैं आप के लिए आज रीडिंग लेके आई हूँ। ट्विन फ्लेम रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड करने वाली हूँ, आप दोनों के बारे में बताऊँगी। ठीक है, आप और आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आप समझते हैं आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो मेरी इस वीडियो पर बने रहें। इसमें मैं आपको डिटेल में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊंगी। आज की ये रीडिंग यही होने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोगों के लिए जो भी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं। इस वीडियो पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो ये मेरी वर्कशॉप 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 11 दिन की ये क्लासेस रहेंगी जूम पे डेली। इसमें काफ़ी हीलिंग सेशंस भी होंगे और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड भी किया जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। डिटेल क्या है आपको अगर जानना है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लें, आपको सारी जानकारी इस वर्कशॉप के बारे में दे दी जाएगी। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ठीक है, आप प्रे कर ले ताकि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। ट्विन फ्लेम, ठीक है, मैंने आपके लिए कार्ड कर लिए है शफल, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखूंगी आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इस जर्नी के न्यू साइकिल में अब एंटर करने वाले हैं। एनर्जी बदलने वाली है आपकी, एक बड़ा मेजर शिफ्ट इस जर्नी पर आप दोनों के आने वाला है। ये कुछ ही दिनों में हुआ है, पास्ट के जो से 3-4 दिन की अगर मैं बात करूं तो ये शिफ्ट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आ चुका है। एक नया मोड़, न्यू टर्न आप फील करने वाले हैं इस जर्नी पर। अभी आप दोनों की सिचुएशन क्या है मैं वो देख के बताऊंगी, आपकी इस जर्नी पर आप दोनों की सिचुएशन क्या है। द फूल का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, डेफिनेटली अभी आप दोनों, मैंने अभी ये कार्ड निकलने से पहले ही बताया है, एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 0 का ही ये कार्ड है, द फूल। ये दिखाता है कि आप अब एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं। जो मैसेज मुझे पहले ही चैनल हो गया था आपके लिए, कार्ड से भी हमको वही मैसेज मिला है। बट इस वक्त चैलेंज ये है आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी पर कि अभी आप सेपरेट हैं 3D वर्ल्ड में। आप जो कर रहे हैं इस वक्त इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए। आप कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा, अबंडेंट लाइफ आपको देगा। इस साइकिल में आप अब एंटर कर चुके हैं। आपने लाइफ में काफ़ी रिस्क लिए हों ऐसा मुझे दिखता है, आप रिस्क टेकर हैं। काफ़ी रिस्क आपने पास्ट में भी लिए हैं, आने वाले टाइम पर भी आप लेने वाले हैं। अभी भी आप रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि आपकी लाइफ एक अबंडेंट लाइफ हो पाए। आपके ना गोल आपने जैसे कि सेट कर लिया है। इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हैं, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दोनों ही साइड है, आपके जो काउंटर पार्ट है उनकी लाइफ में भी एक मेजर शिफ्ट आएगा। वो भी अपनी लाइफ में अब नया मोड़ दिख रहा है कि चेंजेस उनके अंदर भी उतने ही आएंगे जितना चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। उनकी लाइफ जो रहेगी वो कार्मिक की तरफ रहेंगे,
बट ऐसा नहीं है कि वो कार्मिक के साथ एंगेज्ड होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट वो अपने कार्मिक के साथ डील करने वाले हैं जैसे कि पहले नहीं करते थे, बट अब उनके अंदर ये चेंज होगा कि उनको डील करना आएगा अपने कार्मिक के साथ, और आप डील करेंगे अपने एक गोल को सेट करने के लिए, आपकी लाइफ के गोल सेट करने हाँ होने वाले हैं आपके, जो गोल सेट किए हैं आपने रीसेंट पास्ट में, तो आप उनकी उड़ान अब भरने वाले हैं, सपनों की उड़ान अब भरने वाले हैं, और अपने सोल पर्पस की तरफ आप कदम बढ़ा चुके हैं। ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं आप अपने लिए, दूसरों के लिए, वो सारी चीज़ें अब आपकी पूरी होने वाली है। ये आपका प्रेजेंट है, आपने उसकी शुरुआत अब कर दी है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है, ठीक है, ये चेक करेंगे आप दोनों की लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। द एम्प्रेस, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में ये है। कुछ लोगों के लिए तो है कि आप ओवर गिविंग एक नेचर है आपका, और रिस्ट्रिक्शंस अभी लाइफ में है। लाइफ में आप गोल तो सेट कर रहे हो कि मुझे ये करना है, लेकिन यहाँ पे एक मदर की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। आपने गोल सेट कर ली है, लेकिन आपकी जो ममता है ये भी हो सकता है कि बीच में आ रही है। आपका काइंड नेचर जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि अगर आप अपने गोल सेट कर लिए हैं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने होंगे एज अ मदर। ये एक बड़ा चैलेंज है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर वैसा है। एक मदर फिगर हो आप, काइंड हो, नेचर है और केयरिंग नेचर है, गिविंग नेचर है, तो इसका लोग फायदा उठाएंगे। अगर आप अपने गोल सेट करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल होना होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और आप नहीं कर पाते क्योंकि आप सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ भी दिखा रहा है कि अगर आपको अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे। अगर आप एक मदर हैं स्पेशली, तो वो चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम देना होगा अपने सोल पर्पस पे, अपने इनर वर्क के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपको थोड़ा वर्क देना होगा। क्योंकि उस जब आप अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है जो आपकी इस न्यू साइकिल में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगी, कि आप अपनी फैमिली या दूसरे लोग जो आपके सोलमेट्स हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सरेंडर किया है, सर्व किया है यूनिवर्स को, और आप सर्व करोगे इस अर्थ को। तो उस बीच आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जो जिम्मेदारियां हैं, आप वो पूरा ना कर पाए, और हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। जो लोग भी कंसीव करना चाहते हैं वहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे जो भी लेडीज हैं प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे भी एक बड़ा चैलेंज आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। देखिए, आपको अभी ये चीज दिख रही है कि कुछ चीज़ों के लिए एट प्रेजेंट सेक्रीफाइस करना होगा। मैसेज क्या हो रहा है कि मैं मैसेज पहले दे रही हूँ, उसके बाद भी जो कार्ड आ रहा है वो कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे पहले सवाल के साथ, जो मैंने जवाब दिया है ऑलरेडी, सेक्रीफाइसेस के बारे में बोला है। अभी भी कुछ सेक्रीफाइसेस हैं आपको अपने हेल्थ के ऊपर,
ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ इन दिनों हो रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे और स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस यहाँ पे करने होंगे। ये सैक्रिफाइसेस आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में दिख रहे हैं, आपकी फैमिली में करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप घबरा सकते हैं कि ये सैक्रिफाइस और कितना सैक्रिफाइस, लेकिन ये जो सैक्रिफाइस है एक तरह मैं आप बोलूं कि नेगेटिव ना ले इस चीज़ को, क्योंकि ये डिटैचमेंट को दिखाता है। और इस जर्नी पर आगे बढ़ना है तो आपको भी अपनी डिटैचमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा अटैच होना भी देखो सही नहीं होता है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के भी साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच्ड हैं, कोई जगह है, कोई शहर है, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आपका कंफर्ट जोन है, घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते हो, तो इस तरह के सैक्रिफाइसेस आपको करने होंगे कि आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, आप अपनी फैमिली को कम टाइम देंगे, तो ये सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये करना होगा क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि आपकी भी एक लाइफ है, आपकी भी कार्मिक लाइफ है, तो जो आप अपने कर्मा में लिखवा के लाए हैं वो आपको पे करना है, और वही हो रहा है जो डेस्टिनी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो ये सैक्रिफाइस आप करने होंगे, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आपको ज़्यादा देखो ये नहीं सोचना कि ये तो गलत हो रहा है आपके साथ, गलत नहीं हो रहा है अगर आप प्रैक्टिकल भी सोचें, क्योंकि आप दो काम अगर करेंगे एक टाइम पे नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम वर्किंग हैं तो देखिए, जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो घर में नहीं रह सकते हैं, जब घर में रह रहे हैं तो ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में भी प्रेजेंट रह पाए, आप दोनों में से एक जगह पर ही अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ही हैं, आप दो लोग तो नहीं हैं। तो इस तरह का सैक्रिफाइसेस आपको यहाँ पे करना होगा, क्योंकि जब आप अब लाइफ में, क्योंकि अब आपको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है यूनिवर्स को, बड़े बड़े मेजर काम करने होंगे आपको लोगों के लिए, जब आप उनके साथ अटैच हो रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप पीछे नहीं सोच पाएंगे उस वक्त। तो ये चीज़ों में जो सैक्रिफाइस दिख रहा है, लेकिन ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप मिसमैनेज हो जाएगा या आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये है कि आप ये जिम्मेदारियाँ कुछ हद तक किसी और को भी दे सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर भी आपको सपोर्ट करें तो अच्छा है। अगर इस तरह से आप उनके साथ डील कर सकते हैं तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको फैमिली के साथ, आपकी फैमिली खुद अपनी जिम्मेदारी उठा लेगी, जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हम सबकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो आपकी फैमिली में आपको ये करना होगा कि उनको इंडिपेंडेंट रहना होगा, आप भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको भी आप इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, अपने किड्स को, अगर आपके घर में फैमिली है या हस्बैंड है या वाइफ है, आप उनको उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको सोचना है। अभी देखिए, आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ कोई बहस हुई लगती है, झगड़े हुए लगते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन हुआ दूसरों की वजह से है, दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। अभी हो सकता है आपके, अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी को लेके किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो। ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही यहाँ पे कुछ मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं। आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, आपकी बात उनसे नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ अदर्स, क्योंकि थिंकिंग यहाँ पे आप दोनों की मैच नहीं हो रही है, ये अभी आप दोनों के बीच में हुआ है। बट आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो कॉन्टैक्ट में आएंगे गाइज आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको अभी क्या दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी कॉल मैसेज तो रिसीव कर रहे हो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जो भी आपका अभी कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ है वो सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो।
ठीक है, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरह का ये मत सोचिए कि ये परमानेंट सेपरेशन हो गया है, यहाँ पे परमानेंट सेपरेशन नहीं दिख रहा है। आपकी सिचुएशन में इस वक्त इम्पोर्टेंट ये दिख रहा है कि कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी लाइफ में ना अभी क्या है, और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके ऊपर आपको अभी फोकस करना चाहिए, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने करियर के लिए। मेडिटेशन आपको डेली करना चाहिए, प्रैक्टिस आपको ये डेली करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन वही होता है कि आप घंटों बैठ के तप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चलते फिरते भी होता है कि आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं गाइड भी करूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेरा अभी वर्कशॉप भी आ रहा है उसमें मैं काफ़ी चीज़ें ये क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस वर्कशॉप को अटेंड करें ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ उस जर्नी के बारे में, आप जब कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि कन्फ्यूज़ होते हैं, गाइडेंस कहीं से नहीं मिलती, करना कुछ होता है हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है। बहुत से लोग ये मेरी वर्कशॉप कर चुके हैं, मैंने फीडबैक भी डाला है, पहले भी एक वर्कशॉप की है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं फीडबैक, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ उस जर्नी के बारे में, खास करके आपकी सेल्फ हीलिंग इनर वर्क पे हम काम करते हैं, आपके सोल पर्पस के बारे में जान पाते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे इस रीडिंग पे मैं आती हूँ, वहाँ पे यही है कि इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके गोल, आपकी सेल्फ ग्रोथ, वो इस वक्त आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉल मैसेज भी आप अपने ट्विन फ्लेम का यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अभी कुछ अचीवमेंट आपको मिलने वाली है इस जर्नी पर, कोई बड़ा पद मिल सकता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको प्रमोशन मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे चांस है, मतलब आप अपने आप से कनेक्ट करें। अगर जॉब करते हैं डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, अगर आप हीलर हैं तो आपको कोई अवार्ड, कोई अचीवमेंट मिल सकती है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह का रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है कि आप एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप वर्किंग नहीं है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तब भी ऐसा होगा कि आपका न्यू जॉब लग सकता है, आप नए बिजनेस को सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी वैसे ऑफर चल रहा था अभी, बट वो ऑफर नहीं होगा अभी। ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने ऑफर भी रखा था, बट अगर मुझे ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं कोशिश करूँगी कि उस ऑफर को और बढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो ये रीडिंग आप ले सकते हैं पर्सनल, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको अपने अपने लेवल पे भी समझा रही हूँ कि आप चीज़ों को कैसे समझें, क्योंकि एक लेवल और ऊपर तो आप जाएंगे, ठीक है। अगर घर है, घर में आपकी अगर पूछताछ नहीं है किसी की, पूछता नहीं था कोई आपको, तो ये चीज़ दिख रही है कि आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। जो हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे प्रमोशन मिल जाएगा, किसी का बिजनेस है, बिजनेस में इंक्रीमेंट दिख रहा है, अचीवमेंट दिख रहा है, रिवॉर्ड मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। ये चीज़ें अभी नियर फ्यूचर में कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में होने वाली है इस जर्नी पर, कि आपको लोग पसंद करने वाले हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपको प्यार मिलने वाला है, और आप अपने आप पे बहुत खुश मिलेंगे। एक जो हीलिंग सेल्फ ग्रोथ के लिए जो हीलिंग चल रही थी, वो हीलिंग आपकी कंप्लीट होगी। आप इस स्टेज पे आ रहे हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं आने वाले दिनों में, तो इमोशनली आप बैलेंस रहेंगे और फाइनेंशियली भी आप बैलेंस रहेंगे। फाइनेंशियली जिसकी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली, बट हाँ जो भी करना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आप स्टेबल हो रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, ये आपका इस जर्नी पर होने वाला है, क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। देखो जब हम कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, कुर्बानी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वो कुर्बानी ज़्यादा ज़ाया चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बदले में आपको ढेर सारी खुशियाँ भी मिलनी हैं, और आपको फैमिली का सपोर्ट जो मैंने बोला है कि वो भी मिल जाएगा, आपको एक
उनके साथ कम्युनिकेट करना है अच्छे से, अपनी बात को खुल के रखना है, उनको भी एहसास दिलाना है कि आपकी भी अपनी लाइफ है, आप भी खुद थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से शेयर करके चलेंगे तो दिक्कतें यहाँ पे नहीं आएगी। और ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने वाली है, आपको सपोर्ट करेगी, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, चिल्ड्रन आपको सपोर्ट करेंगे, वो ऐसा चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हो रहा है गाइज, आपको इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ओवर इमोशनल होके सैक्रिफाइस आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। जो रुक गया तो देखिए फिर से वही डिले बार बार होता रहता है ना, बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी पर ये डिले इसलिए होता है कि हम राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लेते। यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ते रहना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये सीढ़ी पे आप देखो, एक लेडी कैसे ऊपर चढ़ रही है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऊपर, इधर उधर नहीं देख रही, वो सिर्फ ऊपर जाना है, उसको सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं, ऐसी एनर्जी में आप रहें। कुछ लोगों का लॉन्ग मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, आपको अगर काम के लिए करना पड़ रहा है, घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और देखते हो नेक्स्ट आपके लिए क्या है इस जर्नी के बारे में गाइडेंस, सर्कमस्टांसेस क्या हैं आपके लिए। द हायरोफेंट, वाओ, अभी भी देखिए मुझे आप कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का आप हीलिंग करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग करते हैं, योगा मेडिटेशन से जुड़े हों आप, या फिर डॉक्टर हैं आप, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अभी भी आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप इस एनर्जी में हो कि आपको अब आसपास से रिस्पेक्ट मिलने लगा है, लोग आपके पास अभी भी सजेशन के लिए आते होंगे, और अभी आपको जो सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि इन दिनों ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और काफ़ी लोग आपके पास आएंगे। इस वक्त जो लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, ये आने वाले लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेंगे। अभी जो भी सलाह लेने आ रहे हैं इन दिनों आपके पास, वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप उनको गाइड कर रहे हो, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो, और अपने फैमिली में हो गया या फ्रेंड्स में हो गया, रिलेटिव में हो गया, आप वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, एक्शन लोगे जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको काफ़ी नाम होगा, आपको अप्रिसिएशन यहीं से मिलने वाला है, आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, और लोग आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आप उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आपकी वजह से आ रहा होगा। तो अगर किसी की भी लाइफ आप बदलते हैं तो वो लोग आपसे जुड़े ही रहेंगे, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। अभी आपका इस जर्नी के लिए डर क्या है, मैं वो चेक कर लेती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देखिए आप किसी से अभी सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए इस मैटर के ऊपर, या कि नहीं, लॉज में भी मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ में लेडी तो है, बट ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में लेडी हो, मेल भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी फेमिनिन है। आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो आपको परेशान कर देती है। आप लाइफ में चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायर की भी मैं बात करूँ, आप भी वो करना चाहते हो, आप भी दुनिया जीत लेना चाहते हो, आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो, वो डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती है अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन फियर क्या है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है,
आपके अंदर शायद बैड हैबिट है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो। और इस वक्त ना आपकी जो सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि आप किसी बात को लेके डर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको कि आप उससे बात करें तो करें कैसे, आप उसको समझाएं तो समझाएं कैसे। आप अपने दिल की बात उनसे करना चाहते हैं लेकिन आपको ये डर है कि वो आपको समझेंगे नहीं, वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपके करियर, क्योंकि ऐसे आप ट्विन फ्लेम के बारे में, क्योंकि ट्विन फ्लेम रीडिंग है ना, तो वो भी चीज़ें हैं कि आप डरते हो उनके साथ खुल के बात करने में, आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझेंगे, ये एक डर नज़र आता है। और इस डर को छुपाने के लिए ही आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहते हैं, आप दूसरों को ये पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि आपके अंदर भी कोई डर है, क्योंकि आप यही शो करते हो सबको कि आप डरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को लेके डर रहे हैं कि वो आपको नहीं समझेंगे, जिनसे भी आप ये बात करना चाहते हैं उनके साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, ट्विन फ्लेम नहीं समझेगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको परेशानी करती है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एक मैसेज जो अचानक से आया है वो डिवोर्स आया है, डिवोर्स का कोई मैटर है आप दोनों के बीच में, आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं मैं करूँ या ना करूँ, ये सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा है जो ऐसी चीज़ों से, लीगल मैटर से डील कर रहा है और उनको डर है कि जस्टिस होगा या नहीं होगा, मैं लाइफ में कुछ बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया तो, ये चीजें हैं। जबकि आपके डिजायर पूरी हो सकते हैं, आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पे गाइडेंस लेने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है तो देखिए, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए हिचकिचाए नहीं, एक बार आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, जिससे मैं खुद भी पर्सनली देख सकती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपकी लाइफ में, अगर मुझे देखना है आपकी जर्नी को, मुझे चेक करना है, तो उतना वक्त आपको मुझे देना होगा। तो अगर आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, बात समझ नहीं आ रही है, आपकी लाइफ का सवाल है, तो आपको पर्सनल सेशन ज़रूर लेना चाहिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, फ़ायदा ही होता है। अब मैं आपकी जर्नी का आउटकम बताती हूँ, आपकी जर्नी का आउटकम क्या है। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत अच्छा आप जाओगे, लेकिन एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आते हुए दिख रहा है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट रहेंगे, उनका कम्युनिकेशन मिस करेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें सेक्रीफाइस की भी मैंने बोली है ना कि आपको कुछ चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना होगा, तो ये सेक्रीफाइस यही है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नो कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, आपकी ये जर्नी आगे बढ़ती रहेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं, ये चीज यहाँ पे फाइनल आउटकम में दिख रही है कि इस जर्नी पर तो आप आगे बढ़ोगे और आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा अपने ट्विन फ्लेम के साथ। ठीक है, आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलेगा, वो कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। ये जो सेपरेशन आप आने वाले टाइम पे फेस करने वाले हो वो थोड़ा लंबा हो सकता है, 8 महीने तक का आप दोनों में सेपरेशन होगा, बट अचानक से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, क्योंकि जब आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग पे जोर देना होगा, और जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उतने ही जल्दी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये फेयर, ये पेन आपको नहीं आने देना है, अगर आप मेरी गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आप अपने इस कार्मिक पैटर्न को
डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जो बार बार इन आउट इन आउट इन आउट हो रहा है वो खत्म हो सकता है आपके लिए अगर आप एक्शन लेते जाएंगे तो। क्योंकि आपको आगे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आप अपने सारे सपने जब पूरे कर लेंगे, नेम फेम आपको मिलेगा, लोगों का एप्रिसिएशन मिलेगा, उसके बाद ट्विन फ्लेम के साथ आपके जो इश्यूज हैं उसमें बहुत कुछ चेंजेस आप देखोगे। कभी कुछ अच्छा भी होगा, कभी कुछ ऐसा भी होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ आएगी, लेकिन ये कॉर्ड कट होगी, आप फिर से इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन हमेशा रहेगा, ये हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेंगे, आपके साथ कनेक्ट करते रहेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं टाइम टू टाइम। परमानेंट सेपरेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, फिर से कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिर से कुछ सेपरेशन आ रहा है, फिर से कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिर से सेपरेशन आ रहा है, फिर से कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये आपकी डेस्टिनी में मुझे आगे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी आपको, अपनी चीज़ को समझना होगा, बट जस्टिस आपके फेवर में ही है, आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी ट्विन फ्लेम पे जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, अपने ट्विन फ्लेम से भी आपको जस्टिस मिलेगा। एट द एंड आपको वही मिलेगा जो आप लिखवा के लेके आए हैं, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। तो आज की आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस यही है, होप आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। मिलती हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।